अरुणा जी, रजिया जी, प्रधान साहब, सारे मिनिस्टर साहिबान, चीफ सेक्रेटरी साहिबा, सारे ऑफिसर साहिबान, और आज इतों इस समागम जिहड़ा अपना उद्घाटन है 1036 लोकेशंस दे विच लोग देख रहे ने, तकरीबन 30,000 लोग इस उद्घाटन नूं देख रहे ने और अपने पंजाबी चैनलों ते सारे चैनलों ते आ रहे हैं, तो अपना पूरा पंजाब इस वेले इस उद्घाटन नूं देख रहे ने। मैं ट्रांसपोर्ट महकमे का और आपका अरुणा जी का धन्यवादी है कि तुसी जिहड़ा प्रोग्राम सी साडा अपने कांग्रेस पार्टी का साडे मैनीफेस्टो का एक हिस्सा तुसी इहनूं अज पूरा कीता है। प्रोमिसिज वादे इलैक्शनां दे विच बहुत हो जांदे ने, पर मैनूं खुशी है कह के कि साडी गवर्नमेंट ने साडे प्रधान जी दे एडवाइस दे उपर चलदे होए असी अपने बड़ी जल्दी पूर्ति वाल असी बढ़ रहे हैं। असी कीते से अपने इनवैसट अपने वादे 546 अपने मैनीफेस्टो दे विच, उहदे 485 अपने 455 खत्म हो गए ने, दिस इज़ रफली 85%। और अज ताईं मेरा ख्याल हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड है 81% का, जो चंद्र बाबू नायडू ने जदों मुख्यमंत्री से आंध्र प्रदेश दे विच कीता सी। हुण आपां 85 ते पहुँच गए और इस साल के अखीर च अपना बजट हुणी पास होया, असीं इस नूं पूरा 100% ते ले जाण की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो ये वादे होंदे ने, उस वादियां दे विच एक साडा सी कि असीं 50% रिजर्वेशन रखांगे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ वास्ते और 33% गवर्नमेंट वास्ते दे विच नौकरियां बीबियां वास्ते। लेकिन खुशी मैनूं एक होंदी है कहण दी कि वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, असीं फुल एम्पावरमेंट जो प्रोमिस कीता सी वो असीं कर दिता है। और समा मैं देख रहा सी अखबारां च कि जिथे हुण इलैक्शन चल रहे ने पंज सूबियां दे विच, सारियां पार्टियां ने आही 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट साडी रीस करदे होए उन्होंने भी अपने ज़िले अपने सूबियां दे विच शामिल कीतियां ने। सो शुरुआत अपने पंजाब वल्लों हुई है और वह भी हुण उधर नूं तुर रहे ने। बस कंसैशन दा जिहड़ा सी एक हिस्सा है, इहदे नाल फायदे बड़े हो जांदे ने। हुण कई बहुत गरीब घराने दे बच्चे ने, उन्होंने कितने दूर जाना अपने कॉलेज वास्ते नहीं जा सकते बिकॉज उन्होंने पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इस करके बहुत लोड़ सी सानू इसकी। दैन दूजे पास गरीब इन्नी जनता है वो वास्ते भी असी दिस इज़ कोई इंपोर्टेंट इशू बन गया उन्होंने लाइफ के, जिद उन्होंने कोई फायदे आ। तुम देखी सी बठिंडो एक बजुर्ग बीबी बोल रही सी और वो कह रही सी कि मैनू पता नहीं सी, अज उ आके पता लग गया जब बस मैं गई है कि सानू किराया नहीं लगेगा। सो ये बड़ी एक समथिंग फॉर द लेडीज़, एम्पावरमेंट तो है, लेडीज़ डे आप मनाने हैं, बट कुछ कॉन्क्रीट गल जी करनी है वो जरूरी सी उन्होंने वास्ते करना। तो वादा सी साडा 50% कि असी 50% किराया इनू छुटकारा करांगे, लेकिन मैनू खुशी है कहने कि गवर्नमेंट ने फिर फैसला किया है, साड़ी कैबिनेट ने, साड़ी पार्टी ने, और ये 100% आपां ने किया है कि बिल्कुल कोई किराया एक रुपया भी नहीं किसी तो लिता जाऊगा किसी भी बीबी तो। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और मैनू बड़ी खुशी होंगी अज ये अनाउंस करते हुए। और मैं आस करना कि प्राइवेट बसेस भी जिहड़ियां ने वह भी समझण कि सानू सोशल रिस्पोंसिबिलिटी साड़ी है एंड वी शुड ऑल्सो अंडरटेक टू कट किराया ताकि अपना अपनी बीबियां वास्ते ये फैसिलिटी उत्थे दे सकी है। साढ़े पंजाब अपनी आबादी 2,77,00,000 है, उहदे विच 1,46,00,000 तो अपने मेल्स ने बंदे ने और 1,31,00,000 साड़ी बीबिया ने, तो हूँ 1,31,00,000 नूं फैसिलिटीज़ मिलेगी, विच आई एम हैप्पी टू अनाउंस टूडे। जिथे तक सेफ्टी की गल है, आपां बहुत वाकियात अज प्रधान जी ने भी गल कही है, आपां वाकियात बहुत सुनते रहे हैं, जो हादसा होया दिल्ली दे विच अज ताईं स्केर कई साल हो गया, अज ताईं साडे दिमाग दे विच गल वसी हुई है। तो उस बीबी नूं विचारी नूं उन्होंने
ਜ਼ਾਲਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GPS ਸਿਸਟਮ ਗਰਾਊਂਡ ਪਲੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ GPS ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 25 ਬੱਸਾਂ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੁਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 30,000 ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ 1,036 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਹਿੰਦ